हेलो फ्रेंड्स, रणजीत में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, मोटापा होता है, पेट का पार्ट अगर ज्यादा दिखे तो उसके लिए हमें करना क्या है, ड्रेस की कटिंग किस तरीके से करेंगे जैसे में हम दुबले और पतले दिखेंगे। तो उसके लिए देखिए, पेपर कटिंग पहले तो देखेंगे। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है, बंद वाला जो पार्ट है वो हमने हमारी तरफ से रखा है। शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, तो देखिए शोल्डर जितना हमारा पूरा है उसका हमें यहाँ पर आधा पार्ट है उसका मेजरमेंट डालना है। 16 का हमारा शोल्डर है तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर शोल्डर लिया है। देखिए 8 हमने शोल्डर लिया है तो यहाँ पर देखिए मुड्डे की जो लंबाई है वो भी हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच पर। चेस्ट का चौथा पार्ट 32 इंच का चेस्ट घेरे 8 पर एक पॉइंट लगाएंगे, इसमें मार्जिन देंगे हम 1.5 इंच के। तो देखिए अभी ऊपर के जो पार्ट की लंबाई है वो हमें रखनी है तैयार 12 इंच, तो इसमें देखिए हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। 13 पर हम एक पॉइंट लगाएंगे 13 इंच पर। तो अब देखिए इतना तो बेसिक है, कमर का मेजरमेंट लेना है, इसमें भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहां से हमें सीधा यह हमारा हो गया ऊपर का पार्ट। अब जैसे कि गले के लिए देखिए, अभी घेरा जो है हमें 3 इंच का रखना है। पीछे अगर आप बन लेना चाहिए तो यहाँ पर 1.5 इंच की हल्की सी गोलाई, चाहे तो आप यहाँ पर कॉलर लगा सकते हैं, चाहे तो पीछे से नेक भी डिजाइनर बना सकते हैं। इस पॉइंट से ये तो हो गया हमारा पीछे का गला। अभी आगे के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए आप 6 इंच पर हम वी शेप में इस तरीके से आगे का गला बनाएंगे। ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट, ये हो गया हमारा पीछे वाला पार्ट। यहाँ पर देखिए आगे के पार्ट के लिए हमें करना क्या है, इस पॉइंट से सीधा हमें ये वाला पार्ट अंदर की तरफ से हल्की सी गोलाई लेनी है अंदर के लिए इस पॉइंट तक। देखिए इतना पार्ट पहले कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो है ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से, ये हमारा आगे का गला, ये हमारा पीछे का गला, तो ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। कमर के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मोटापा अगर हो तो हमें दुबला दिखना है, तो कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। नीचे का जो घेरा है यहाँ पर देखिए, अगर आप साड़ी लो या फिर फैब्रिक लो, ये हमें चाहिए यहाँ पर 2.5 इंच का नीचे का कपड़ा। तो इस कपड़े की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, तो देखिए जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर पेट का जो घेरा है यहाँ पर हमारा है 34 इंच का, तो इस हिसाब से हमें कलियां निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम 7 कलियां निकालने वाले हैं, लेकिन कैसे निकालनी है, इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। ऊपर के पार्ट में हमें चाहिए देखिए 5 इंच की तैयार कली चाहिए, लेकिन हम इसमें हम देखिए बढ़ाने वाले हैं इस पॉइंट से आधा इंच, इस पॉइंट से आधा इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा डालेंगे। किस लिए एक्स्ट्रा, तो देखिए इसका सेंट्रल पॉइंट निकाल के नीचे की तरफ कली का जितना अपना घेरा है नीचे की तरफ, घेरे के लिए हमें इससे डबल नीचे रखना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है तिरछा इस पॉइंट तक, जितना हमने इस पॉइंट रखा है ये हमारे यहाँ पर 6.5 इंच पर, तो यहाँ पर भी हमें लेना है 6.5 इंच पर तिरछा। देखिए इस तरीके से हमें निकालनी है 7 कलियां, तो हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 7 कलियां इस तरीके से कट करनी है। अभी इसकी स्टिचिंग देखिए, नॉर्मल जैसे कि हम ज्वाइन करते हैं उस हिसाब से हमें इसकी स्टिचिंग नहीं करनी है। पहले तो देखिए इसे हम पूरा यहाँ तक पूरा नीचे से हमें इसे स्टिच करना है। सभी पार्ट में स्टिच करने के बाद जितना हमारे यहाँ पर पेट का और यहाँ पर हमारा कमर का घेरा है उसका हमें मेजरमेंट लेना है। तो देखिए ये मेजरमेंट हमें किस तरीके से लेना है, तो देखिए ऊपर से इस पॉइंट तक हमें देखिए ये जो हमारा 7 इंच का 7, 7 और 7 इस हिसाब से पूरा सर्कल में जब यहाँ पर हम कली सिल लेंगे पूरी, सिलने के बाद यहां से हमें इसे एक कली को ऊपर रखना है और इसे हमें सीधा सिलने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ लिया है उसे हमें
पूरा एक नए टेप की दो लाइन छोड़ के हमें इस तरीके से बॉक्स शेप में से सिलाई लगानी है इस पॉन तक। तो देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगाने के बाद इसका जो शेप है उसका इस हिसाब से देखिए यहाँ पर एक बॉक्स रेडी होगा। दोनों ही तरफ इस तरीके से हमें कपड़े में जो है वो बॉक्स बन जाएगा यहाँ पर। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर जैसे हमारा पेट का घेरा है यहाँ पर एक सीधा बेल्ट रेडी हो जाएगा, उसमें कली आएगी और यहाँ पर नीचे बॉक्स भी रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पूरा जो घेरा है वो रेडी करना है। तो ये तो देखिए यह हमने देखा है पेपर कटिंग के लिए, जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हमने पेपर कटिंग की है। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा यहाँ पर साड़ी की कटिंग करके हम इसे स्टिचिंग करेंगे, पूरा वन पीस जो है हम रेडी करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स करें, अगले वीडियो में जब मैं कपड़े की कटिंग करूंगी तो उसमें मैं आपको सब डिटेल इसका समझाऊंगी।